The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So phototherapy yani ke ultraviolet light थेरेपी अल्ट्रावायलेट लाइट जिससे आप बचते हो, दुनिया भर में लोग बचते हैं सनस्क्रीन शेड चश्मे अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट से बचिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज करना, सोचो। जी हाँ, दैट इज मेडिकल सुपरविजन में डॉक्टर के अंदर आप कुछ स्किन की बीमारियों को लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज करें तो फायदा होता है। ये डिपेंड करता है चमड़ी की कौन सी बीमारी के लिए यूज हो रहा है। फोटोथेरेपी जो है कुछ सेकेंड से लेके कई मिनट्स तक दी जा सकती है और कई सारे सेशन हो सकते हैं, 2 से 3 बार करते हैं कई बार हफ्ते में, और ये डॉक्टर के ऑफिस में ही, कोई धूप में नहीं बिठाया जाता, इसके लिए अलग से लाइट या लेज़र आते हैं। सो होम थेरेपी भी आती है, होम थेरेपी के लिए लाइट बॉक्सेस भी आते हैं जो आपको सिलेक्टेड पेशेंट्स को दिए जा सकते हैं। फोटोथेरेपी कई बार अकेले या फिर ऊपर से लगाने वाली दवाइयां सिस्टमिक या फिर खाने वाली सिस्टमिक मेडिसिन के साथ दी जाती हैं कई सारी बीमारी। तो कौन कौन से टाइप के लाइट यूज होते हैं? एक होता है ब्रॉडबैंड UVB लाइट थेरेपी, UV अल्ट्रावायलेट ए अल्ट्रावायलेट बी लाइट होती है, तो इसमें UVB लाइट ज़्यादा यूज होती है। उसमें कुछ वेवलेंथ्स होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं। इस केस में अल्ट्रा ब्रॉडबैंड में देर इज ब्रॉड मतलब 280 से लेके 320 तक का वेवलेंथ नैनोमीटर का, 280 से 320 नैनोमीटर का वेवलेंथ ब्रॉड बैंड हो गया, वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा नैरो बैंड वाली यूज हो सकती है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि कौन से बीमारी में कौन सा बैंड यूज करना है, इसका रिकमेंडेशन है। सो नैरो बैंड में UVB लाइट ट्रीटमेंट में 311 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज होता है, ओनली दैट। और UVA लाइट थेरेपी भी होती है, UVB हो गया, UVA लाइट थेरेपी, उसमें 320 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट यूज होती है। और देर इज ऑल्सो समथिंग लाइक PUVA में 320 से 400 की वेवलेंथ यूज होती है। ये UVA लाइट है बेसिकली। PUVA मतलब UV लाइट, UVA लाइट अल्ट्रावायलेट ए लाइट, जिसको जो बेसिकली ओरली खिलाने के बाद, कुछ दवाइयां पहले खिलाई जाती है फिर UVA लाइट दी जाती है, उसको PUVA लाइट बोलते हैं। बिकॉज आपकी स्किन को उस दवाइयों से सेंसिटाइज किया जाता है, इसके आपके स्किन पे आने वाला इफेक्ट बढ़ जाएगा। सो दैट इज लाइक वो दवाई जो होती है उसका नाम होता है सोरलीन, मतलब सोरलीन, पी साइलेंट है, सोरलीन, इसलिए इसको PUVA बोलते हैं, राइट। अब ये समझते हैं थोड़ा सा, अब किसको ये क्या करती हैं, इससे क्या होता है, बेसिकली इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। सो ये जो UVA लाइट है या ये जो UV लाइट्स हैं, ये इम्यून सिस्टम सप्रेस करती हैं, और फोटोथेरेपी आपके इन्फ्लामेशन या जो स्किन कंडीशन है जिसमें ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं या एलर्जिक रिस्पॉन्स है, उनके लिए काम आती है। तो कौन कौन सी बीमारी के लिए काम आएगी? नंबर वन सोरियासिस, जिसमें हमने देखा स्किन ग्रोथ तेजी से बढ़ जाती है, स्केल्स बनते हैं। नंबर टू एक्जीमा, खुजली, अर्टिकेरिया, विटिलिगो, जिनकी स्किन वाइट हो जाती है उनके लिए भी, खुजली वाले इचिंग वाले लोगों के लिए भी, और इवन कैंसर के लिए, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा के लिए भी ये यूज होता है। तो लेकिन सब में नहीं यूज कर सकते हैं, पीपल जो जिनको पुअर कैंडिडेट है, कैंडिडेट बहुत नहीं, सही अच्छे कैंडिडेट, नंबर वन जो प्रेग्नेंट है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनको नहीं, जिनको सनलाइट से एलर्जी है, नो। फिर अगर आपका हिस्ट्री है कि आपकी यूवी लाइट या सन में जाने से कुछ बीमारियां जैसे कि ल्यूपस या पोरफायरिया, ऐसी बीमारियां बढ़ जा रही हैं, ऐसी कोई दूसरी बीमारियां होती जो बढ़ सकती है, फिर मान लो स्किन कैंसर की हिस्ट्री है, स्किन कैंसर दूसरे टाइप का, नॉट लिम्फोमा, लिम्फोमा इज डिफरेंट, लिम्फोमा स्किन कैंसर दूसरे टाइप के, मेलानोमा वेलानोमा की हिस्ट्री है, तो आपको उसमें नहीं जाना, नहीं तो और बढ़ जाएगा चांसेस। फिर मान लो कोई सब्सटेंस या कोई ऐसा रेडिएशन, स्किन कैंसर के लिए मान लो आपको आर्सेनिक या रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन ट्रीटमेंट हो चुका है, तो आपको ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे। लिवर डिजीज है, नो, तो उसको सोरलीन नहीं दिया जा सकता, दूसरी चीजें दे सकते, लिवर के नॉट, लिवर प्रॉब्लम सोरलीन नहीं, सोरलीन पूफा वाला, PUFA। आई कंडीशन,
फोटोटॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, और अगर आप खड़े नहीं हो पाते, इनेबिलिटी टू स्टैंड, तो भी आपको ये नहीं दी जा सकती है। कई सारी चीज़ें हैं। तो अगर याद रखिए, पेशेंट को जो एरियाज में नहीं लगाना है, जो जो एरियाज इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जो मतलब जिस एरिया में प्रॉब्लम है उसको छोड़ के बाकी सब एरिया में सन ब्लॉक यानी कि सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर को बताना है कि अगर आपने कोई दवाई या कोई मॉइस्चराइज़र लगा के तो नहीं आए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और याद रखिए, अपने रेगुलर बेसिस में आपको समझना है अपनी स्किन केयर को डॉक्टर से बात करके इस ट्रीटमेंट थेरेपी के इफ़ेक्ट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, और ये ना हो कि नेगेटिव चले जाए, इसलिए डॉक्टर के साथ सब कुछ बताना ज़रूरी है। और PUFA वाली ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को दवाई दी जाती है सोरलीन 1 से 2 घंटे पहले, ताकि उसकी जो स्किन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाए। बाकी सारे केसेस में नहीं दी जा सकती। और ट्रीटमेंट को डॉक्टर के ऑफिस में कराया जाता है। आपको एरियाज को लाइट से एक्सपोज किया जा सकता है, दूसरे एरियाज को छोड़ के बाकी सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को, और आपको कुछ स्पेशल गॉगल पहनाए जाएंगे ताकि आपको कैटरेक्ट फैटरेक्ट ना हो जाए, आँखें ना खराब हो जाए। और अगर जेनिटेलियाज हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, दूसरी चीज़ें जो जो एरिया को प्रोटेक्ट करना है प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब किया जाएगा। और आपको कई बार लाइट बॉक्स के सामने खड़ा होना पड़ता है, कई बार आपको लोकल एरिया में भी लाइट दी जा सकती है। दैट इज डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस। किसी के पूरे शरीर में तो पूरा, किसी को छोटा सा है तो छोटा, डिपेंड्स अपॉन दैट, राइट। हर एक थेरेपी के बीच में डॉक्टर देखता रहता है। फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट में पहले कुछ थेरेपी बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होती है, अगर वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है तो फिर लंबे ड्यूरेशन की थेरेपी होती है। और सोरियासिस पे लाइटर पेशेंट्स की, जिनकी लाइट स्किन है, जो वाइट की, जो ज़्यादा गोरे हैं, उनको पहले छोटे कम टाइम के लिए दिया जाता है। डार्क स्किन वालों को ज़्यादा टाइम के लिए डायरेक्टली दिया जा सकता है। सो ये सारी बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है इसकी। और जो लोग फोटोथेरेपी के लिए जा रहे हैं, याद रखिए उनको बहुत ज़रूरी है रेगुलर जाना। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि एक बार कर लो नहीं कर लो। और एक बार अगर इसका फ़ायदा दिखने लग जाए तो कई बार 20 सेशन 30 सेशन लगते हैं। और स्किन एक बार ठीक हो जाए तो उसको बंद करके मेंटेनेंस रूटीन भी ज़रूरी हो सकती है। और क्रोनिक स्किन कंडीशंस में काफी काम आता है लाइट थेरेपी। तो प्रॉपर डॉक्टर से डिस्कस करें, उसके बाद डिसाइड करें। और याद रखिए, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बाहर के लिए, बाहर जाके प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और सनस्क्रीन पहनना भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और थोड़े बहुत अगर मान लो इससे साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, किसी को नौजिया, इचिंग, रेडनेस, जलन, राइट, कभी अगर प्रोटेक्ट नहीं किया आँखों को तो कैटरेक्ट, राइट, स्किन में जल्दी एजिंग हो सकती है, और अगेन कैंसर, स्किन कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लेना चाहिए। कई बार इसके चेम्बर्स होते हैं इसको देने के लिए। सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फोटोथेरेपी। रिमेंबर, फोटोथेरेपी इज़ वेरी यूजफुल इन सोरियासिस। सोरियासिस में इवन सनलाइट, बाहर की सनलाइट में भी देखा गया है कि ये इम्प्रूव करता है। और फोटोथेरेपी तो ऑब्वियसली इम्प्रूव करता ही है। काफ़ी सारे केसेस में रेडनेस इम्प्रूव होती है, इन्फ्लामेशन इम्प्रूव होती है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन, डू इट अंडर गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोथेरेपी। और देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ एक्साइमर लेजर ऑल्सो। लेजर जो है वो सोरियासिस जैसी बीमारियों में यूज होते हैं। ये कंट्रोल बीम होती है लेजर, जिसको डायरेक्ट सोरियासिस के प्लेक के ऊपर डाल के स्केलिंग जो इन्फ्लामेशन है कंट्रोल किया जा सकता है। लाइट थेरेपी मतलब लेजर नहीं होता, लेजर थेरेपी, लाइट थेरेपी अलग है। लाइट मतलब पूरा लाइट, लेजर मतलब सो लेजर इज लेजर, लाइट इज लाइट। दिस इज ऑल अबाउट द सनलाइट, दिस इज ऑल अबाउट लाइट थेरेपी, लेजर थेरेपी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अगर इसके बारे में और जानना है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करो आपके नियर बाय, और वो आपको बताएंगे कि उनके पास या आपको इसके बारे में कोई ज़रूरत है या नहीं है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन।